कोरबा जिला में आर्यन कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड एसीबी कंपनी के वार्षिक कर्मियों ने कल सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में एसीबी कंपनी के मुख्य गेट को जाम कर प्रदर्शन किया। करीब 13 घंटे प्रदर्शन के बाद कटघोरा के एसडीएम, दीपका तहसीलदार, थाना प्रभारी और कंपनी प्रबंधन की उपस्थिति में आश्वस्त किया गया कि 17 मई 2023 बुधवार को आरडी ऑफिस में मांगों की समस्या के निराकरण के लिए त्रिपक्षीय वार्ता की बैठक किया जाएगा, तब जाकर आंदोलन को समाप्त किया गया। वार्षिक कर्मियों ने बताया कि पिछले 4 साल से एसीबी कंपनी के प्रबंधन को वार्षिक कर्मियों की समस्या को लेकर अवगत और निराकरण कराने के लिए आग्रह करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर एसीबी कंपनी के प्रबंधन टाल मटोल और गुमराह कर रहे हैं, मजबूरन वश आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस वर्तमान परिस्थिति में महंगाई के कारण अपने परिवारों का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। महंगाई इतनी चरम पर है कि वार्षिक कर्मियों का पेमेंट सैलरी इतना कम कर दिया गया है कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा। कर्मियों ने बताया कि महीने में 15 दिन काम लिया जाता है और 15 दिन बैठा दिया जाता है। एक तो पेमेंट कम दे रहे हैं और दूसरी ओर महंगाई के कारण परिवार की जीवोपार्जन नहीं हो पा रही है। इस कारण आज सुबह 5 बजे से सैकड़ों की संख्या में आर्यन कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड एसीबी कंपनी के मुख्य गेट को शाम 6 बजे तक जाम कर अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन से मांग किया गया है। एसीबी कंपनी के वार्षिक कर्मियों ने ऐलान किया है कि 17 मई बुधवार को प्रशासन, कंपनी प्रबंधन, वार्षिक कर्मियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आहूति किया गया है। इस बैठक में 8 सूत्रीय मांगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन जारी कर दी जाएगी। वार्षिक कर्मियों के आंदोलन को ऊर्जाधानी भूस्थापित किसान कल्याण समिति, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संतोष चौहान, ललित महिलांगे, बसंत कुमार कंवर, उमा गोपाल, महावीर, राधेलाल, गणेश सिंह उइके और विभिन्न लोगों ने समर्थन किया। कर्मियों की 8 सूत्रीय मांगों एसीबी कंपनी की प्रबंधन गंभीरता से समस्याओं का निराकरण करे। वार्षिक कर्मियों की समस्याओं को अनदेखी की जाती है तो कर्मियों के साथ मिलकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। मजदूरों के साथ अन्याय व शोषण खिलाफ हमेशा उनके साथ ये पार्टियां और जनप्रतिनिधि लोग खड़े हुए हैं, ये वहां समर्थन करने पहुंचे लोगों का कहना है। मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम संतोष कुमार चौहान है, मैं ऊर्जाधानी दीपका क्षेत्र का कार्यवाहक अध्यक्ष हूं। आज हमारे मजदूर भाई एसीबी गेट के सामने में आज शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जेनुअल मांग है अपना मांग को रखे हुए हैं। इस मांग पे अगर प्रशासन और प्रबंधन अमल नहीं करती है तो इससे भी उग्र आने वाला समय में आंदोलन होगा और पूरा भूस्थापित संगठन इनके साथ में रहेगा और साथ ही साथ इस ये जो प्रबंधन है उसको बैकफुट में लाने के हर अथक प्रयास करेंगे। और आज जो है गेट जाम किए हैं, कल पूरा एसीसीएल खदान को भी बंद कर दिया जाएगा, ये हमारा मंशा है और इनका मांग जेनुअल है, उनको देना ही पड़ेगा। हमारे जो वर्कर है मन के अभी हाजिरी ले खाली 15-15 रखे, अच्छा तो लगभग से 26 कर दे और 4 छोटे छोटे हमारे। कौन सा डिपार्टमेंट में हूँ? हम सप्लाई डिपार्टमेंट में हैं, सफाई वाले हैं। और कंपनी में कर दी आप मन बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।